अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक नया सब डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, वो है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है? स्पेसिफिक फोबिया बेसिकली कहते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके इंसान के अंदर हद से ज़्यादा फियर, हद से ज़्यादा एनजाइटी का बढ़ जाना। ठीक है, अब जिस सिचुएशन से या जिस ऑब्जेक्ट को लेके इंडिविजुअल के अंदर इतना फियर, इतनी एंजाइटी पैदा हो रही है जिसकी वजह से समटाइम्स उसको पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन और उस ऑब्जेक्ट को हम फोबिक स्टिमुलस कहते हैं। क्योंकि जब जब इंसान उन स्टिमुलस को फेस करेगा तब तब उसके अंदर जो है हर बार फियर और एनजाइटी पैदा होगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है ना, किसी को इंजेक्शन का फियर होता है, किसी को ब्लड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो किसी को एनिमल से लगता है, किसी को हाइट का फियर होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के फियर्स होते हैं जो कि हर इंसान में मौजूद होता है, एक डर किसी भी ख़ास चीज़ को लेके। ठीक है, जब जब उन चीज़ों को फेस करता है तब तब उसके अंदर फियर और एनजाइटी एक्सेसिवली बढ़ जाती है। राइट, अब ये डिसऑर्डर कब कहलाएगा? जब इन चीज़ों की वजह से इंडिविजुअल की फंक्शनिंग, उसकी ऑक्यूपेशनल, सोशल, पर्सनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही हो, तब ये एक डिसऑर्डर कहलाएगा। स्पेसिफिक फोबिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया एक कहता है कि इंडिविजुअल किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशंस को जब भी फेस करेगा तो उसके अंदर एंजाइटी और फियर इंड्यूस हो जाएगा, और वो इतना एक्सेसिव होता है जिसपे इंसान ओवरकम नहीं कर सकता, और वो जो है समटाइम्स पैनिक अटैक्स की तरफ भी ले जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोगों को हाइट से खौफ होता है, एनिमल से खौफ होता है, इंजेक्शंस और या ब्लड वगैरह से खौफ होता है, तो जब जब वो इन चीज़ों को फेस करेंगे तो उनकी एंजाइटी एक्सेसिवली बढ़ जाएगी, और समटाइम्स हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए या फिर पैनिक अटैक्स उनको आ सकते हैं। क्राइटेरिया बी कहता है कि इंडिविजुअल का जो भी फोबिक ऑब्जेक्ट है या सिचुएशन है जिसको लेके वो हमेशा एंजाइटी का शिकार हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन ऑलवेज प्रोवोक, यानी हमेशा इंडिविजुअल में एंजाइटी बढ़ा देगी। ठीक है, हमेशा इमीडिएट फियर को जो है प्रोवोक करती है, यानी कि कैसे, फॉर एग्जांपल कि अगर एक इंडिविजुअल है बड़ा रिलैक्स होकर गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, कि सडनली उसने रोड में देखा कि किसी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ और उसको ब्लडिंग इतनी हुई, और वो इंडिविजुअल गाड़ी के अंदर बैठा बैठा ब्लड से खौफ इतना खौफ ज़्यादा हुआ कि वो बेहोश हो गया। यानी उसको, वो बड़ा रिलैक्स था पहले, और जैसे ही उसने सामने किसी बंदे का एक्सीडेंट देखा, उसका एक्सीडेंट देख के खुद बेहोश हो गया, क्योंकि वो ब्लड को नहीं देख सकता, उसको ब्लड से खौफ है। राइट, यानी उसकी उस चीज़ को, फोबिक ऑब्जेक्ट उसका क्या था? ब्लड था, और ब्लड देखते ही उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसपे वो ओवरकम नहीं कर सका और वो बेहोश हो गया। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि इंसान हमेशा अपने फोबिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस, उसका जो भी फोबिक ऑब्जेक्ट होगा उसकी वजह से उसकी एंजाइटी हमेशा बढ़ेगी। क्राइटेरिया सी कहता है अपने फोबिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस को वो डील नहीं कर सकता, इसलिए इंडिविजुअल हमेशा उन चीज़ों से अवॉइड करेगा जिससे उसको बहुत ज़्यादा खौफ आता है, जिससे उसकी एंजाइटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो हमेशा क्या करेगा? उन्हें अवॉइड करेगा, जानबूझ के अवॉइड करेगा। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एक्टिवली अवॉइडेड, यानी कि जानबूझ के अवॉइड करेगा। क्राइटेरिया डी कहता है ये फियर और ये एंजाइटी इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है, जिसपे वो ओवरकम कर ही नहीं सकता। क्राइटेरिया ई कह रहा है कि अगर इंडिविजुअल अवॉइडेंस बिहेवियर उसका जो है वो परसिस्टेंट है 6 मंथ्स तक या उससे ज़्यादा, वो अपने फोबिक ऑब्जेक्ट्स को फेस करने के बजाय उसे अवॉइड कर रहा है, एक अवॉइडेंस बिहेवियर उसने अपना लिया है और ये 6 महीने से वो कर रहा है, तो फिर हम उसे स्पेसिफिक फोबिया की डायग्नोसिस दे सकते हैं। इसके अलावा ये फियर, ये एनजाइटी और ये अवॉइडेंस पैटर्न, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल की सोशल, ऑक्यूपेशनल और उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाती है। क्योंकि जब वो किसी चीज़ से खौफज़दा है, उसको अवॉइड कर रहा है, तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा तो काम पे नहीं जाएगा, यानी ऑक्यूपेशनल लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो रही है, और जाहिर सी बात है फिर सोशली इंटरेक्ट भी नहीं करेगा लोगों से। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टर्बेंस किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होनी चाहिए। अब ये मैं आपको अभी आगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी बताऊंगी कि हम स्पेसिफिक फोबिया को बाकी दूसरे डिसऑर्डर से किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके स्पेसिफायर्स देख लेते हैं। स्पेसिफायर्स में बेसिकली स्पेसिफिक फोबिया का कोडिंग सिस्टम बताया हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिक फोबिया का कोई एक पर्टिकुलर कोड नहीं है। कोड हम तब प्रोवाइड करते हैं, पहले ये देखा जाता है कि इंडिविजुअल में किस चीज़ को लेके खौफ पैदा होता है, किस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अगर इंडिविजुअल एनिमल्स से बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा होता है, और जब जब वो एनिमल्स को देखता है, आइदर वो स्पाइडर्स हो, इंसेक्ट्स हो, डॉग्स हो, लिजर्ड्स हो, वट एवर सो ऑन, अगर वो एनिमल्स से खौफ ज़्यादा होता है तो फिर हम उसे कोड प्रोवाइड करते हैं 300.29 F40.218, राइट, और साथ में स्पेसिफिक फोबिया डिसऑर्डर और एनिमल स्पेसिफायर दे देते हैं। राइट, अगर इंडिविजुअल को नेचुरल इन्वायरमेंट से खौफ है, यानी स्टॉर्म्स, डिज़ास्टर्स या हाइट या वाटर, इन चीज़ों से खौफ है, तो फिर हम उसको कोड ये वाला प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा ब्लड या इंजेक्शंस वगैरह से इंडिविजुअल को अगर खौफ है तो फिर हम उसे एक दूसरा ये वाला कोड प्रोवाइड करते हैं। और अगर सिचुएशनल फेयर्स है, सिचुएशनल फेयर्स यानी कि वो एरोप्लेन में जब जब बैठता है तब तब उसकी एंगजाइटी बढ़ती है, या एलिवेटर्स में नहीं चढ़ता क्योंकि उसको एलिवेटर्स का खौफ है, इनक्लोज्ड प्लेसेस में नहीं जाता क्योंकि वहाँ उसकी एंगजाइटी बढ़ जाती है, फेयर इंड्यूस हो जाता है, और मार्केट्स वगैरह से उसको खौफ आता है, उसकी एंगजाइटी बढ़ जाती है, या वो वहाँ जाके बेहोश हो जाता है। सो अगर सिचुएशनल फेयर्स है तो फिर हम उसको ये वाला कोड प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल का फोबिक ऑब्जेक्ट क्या है, किसको देख के वो बहुत ज़्यादा फेयर या एंगजाइटी का शिकार होता है, देन हम उसको कोड प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी हैव एसोसिएटेड फीचर्स। एसोसिएटेड फीचर्स में ये बताया हुआ है कि इंडिविजुअल को अगर सिचुएशनल एनिमल्स या नेचुरल इन्वायरमेंट से खौफ आता है और उसकी एंगजाइटी इन चीज़ों से बढ़ जाती है, तो बताया गया है यहाँ पे कि इन चीज़ों को जब जब इंडिविजुअल फेस करेगा तो उसका सैम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अल्टीमेटली अराउज हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब जब वो इन सिचुएशंस को फेस करेगा तो उसके अंदर जो सैम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स बढ़ा देगा, बॉडी को प्रिपेयर कर देगा फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। या तो सिचुएशंस को फेस करो, ठीक है, या फिर उसको फ्लाइट कर जाओ, यानी भाग जाओ उस जगह से, या फाइट करो या फ्लाइट करो, राइट। तो जैसे कि एनिमल्स में यही होता है ना, या तो एनिमल्स से अगर डॉग सामने आ गया उसको डॉग से खौफ आता है, अब डॉग देख के ऑब्वियसली उसका सैम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अराउज होगा और उसके अंदर बॉडी प्रिपेयर हो रही होगी फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो वो डॉग से या तो अब खुद को बचाने के लिए या तो लड़ेगा या फिर उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा। अगर उसको ब्लड इंजेक्शन या इंजरी वगैरह से खौफ आता है तो फिर देखा गया है कि जब जब इंडिविजुअल इन सिचुएशंस को फेस करेगा तो फैंटिंग रिस्पॉन्स देगा। व्हाट इज फैंटिंग रिस्पॉन्स? यानी बेहोश हो जाएगा क्योंकि वो इन सिचुएशन से डील नहीं कर सकता, उनको हैंडल नहीं कर सकता। फिर है हमारे पास स्पेसिफिक फोबिया का प्रीवेलेंस कितना है। तो अप्रॉक्सीमेटली स्पेसिफिक फोबिया का जो प्रीवेलेंस है वो है 7% to 9%। बच्चों में देखा गया है तकरीबन 5% तक स्पेसिफिक फोबिया पाया जाता है, और जो टीनएजर्स होते हैं उनमें 16% ऐसी मेजॉरिटी है जिनमें ये पाया जाता है। ओल्डर इंडिविजुअल्स में बहुत कम स्पेसिफिक फोबिया पाया जाता है, ऑलमोस्ट 3% to 5%। अब डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का ऑनसेट चाइल्डहुड टाइम पीरियड में होता है बिफोर द एज ऑफ 10, और जो मीडियन एज इस डिसऑर्डर के ऑनसेट की वो है 7 to 11 years, इनके दरमियान में ऑनसेट हो सकता है। और अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको चाइल्डहुड टाइम पीरियड में स्पेसिफिक फोबिया नहीं था लेकिन एडल्टहुड में आके उसने ये डिसऑर्डर डेवलप कर लिया, तो कहा जाता है कि मे बी उस इंडिविजुअल ने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट फेस किया हो जिसके बाद उसने स्पेसिफिक फोबिया डेवलप कर लिया किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर इंडिविजुअल बड़ा नॉर्मल था पहले लेकिन उसको बाहर किसी डॉग ने बाइट कर लिया, और उस डॉग बाइटिंग के बाद से उसके अंदर डॉग्स को लेके बहुत ज़्यादा खौफ, बहुत ज़्यादा एंगजाइटी बढ़ जाती है। जब जब वो उस डॉग्स को फेस करता है या डॉग्स का नाम भी सुनता है तो उसकी एंगजाइटी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसमें वो ओवरकम नहीं कर सकता, और वो अब उसने जो है घर से बाहर निकलना छोड़ दिया इस वजह से क्योंकि बाहर जो है डॉग्स उसको काट लेंगे इस डर से। तो यानी एक तरह का खौफ उसके अंदर बैठ गया है आफ्टर द ट्रॉमा। तो समटाइम्स ये भी होता है कि अगर एडल्टहुड में जाके स्पेसिफिक प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है तो वो इस वजह से कि मे बी उन्होंने कोई ट्रॉमा फेस किया हो। एक छोटे बच्चे के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम किस तरह से डायग्नोज करेंगे, तो एक तो ये कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एंगजाइटी को किस तरह से शो करेंगे, क्लिंगिंग बिहेवियर शो करेंगे, क्राइंग बिहेवियर शो करेंगे, टैंट्रम्स भी शो करेंगे टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, और क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अपने फोबिक स्टिमुलस से कैसे अवॉइड करना है, तो इसीलिए बच्चे इस तरह का बिहेवियर शो कर सकते हैं। इसके अलावा एक बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो किसी भी चीज़ से डर रहा है तो वो स्पेसिफिक फोबिया है भाई उसको, नहीं, हम उसको स्पेसिफिक फोबिया की डायग्नोसिस उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक हम ये ना देख लें कि उसके अंदर जो डर है क्या वो उसकी डेवलपमेंटल एज के मुताबिक अप्रोप्रिएट है या नहीं। सुसाइड रिस्क अकॉर्डिंग टू DSM-5, तो इंडिविजुअल्स जिनको स्पेसिफिक फोबिया होता है तो 60% ऐसे होते हैं जो कि सुसाइड जस्ट अटैम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, राइट। अच्छा, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, यानी इस डिसऑर्डर की वजह से उनकी फंक्शनिंग कहाँ कहाँ इम्पेयर होगी। साइको सोशल फंक्शनिंग उनकी इम्पेयर हो सकती है। साइको सोशल फंक्शनिंग किस तरह से इम्पेयर होगी? ऑब्वियसली घर से बाहर नहीं निकल रहे, सोसाइटी से, लोगों से, रिश्तेदारों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अंदर एक तरह का ये डर है कि बाहर निकलेंगे और जहाँ भी वो फोबिक स्टिमुलस इनको नज़र आया तो वो अपने पैनिक सिम्टम्स में या एक्सेसिव एंगजाइटी पे ओवरकम नहीं कर सके, तो वो क्या करते हैं, अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। यानी एक तरह से उनकी साइको सोशल फंक्शनिंग क्या हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है, घर बैठ रहे हैं, घंटों घंटों घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पेयर्ड हो रही है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी उनके ख़राब हो रहे हैं। फिर हमारे पास आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम अगर डिसऑर्डर्स आपस में ओवरलैप होते हैं तो हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है, ताकि हम अपनी डायग्नोसिस को अप्रोप्रिएट बना सकें। तो यहाँ पे अभी हमें स्पेसिफिक फोबिया और अगोराफोबिया को डिफरेंशिएट करना है। स्पेसिफिक फोबिया और अगोराफोबिया बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्पेसिफिक फोबिया इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक फोबिक स्टिमुलस की वजह से होता है, जबकि अगोराफोबिया में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो खौफ का और एंजाइटी का शिकार होता है। यानी कि अगर अगोराफोबिया में इंडिविजुअल को मल्टीपल उसके फोबिक स्टिमुलस हो सकते हैं, यानी उसको इनक्लोज्ड प्लेसेस से भी डर है, एलिवेटर से भी खौफ आता है, एरोप्लेन्स में बैठने से भी खौफ आता है, हाइट का भी डर है और वो मार्केट्स में भी नहीं जाता, तो मल्टीपल फोबिक स्टिमुलस होंगे। जबकि स्पेसिफिक फोबिया में कोई एक स्पेसिफिक ऐसा फोबिक स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से उसके अंदर खौफ और एंजाइटी पैदा होती है, यानी कि फियर ऑफ एलिवेटर्स या फिर फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस कोई एक होगा, सही है। उसके बाद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया में क्या डिफरेंस है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली इंडिविजुअल सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खौफ होता है कि उसको नेगेटिवली इवेलुएट किया जाएगा, उसके अंदर फियर ऑफ सोशल एम्बैरेसमेंट का एक खौफ होता है जिसकी वजह से वो अवॉइड करता है। जबकि स्पेसिफिक फोबिया में वो इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसके अंदर ये डर है कि अगर वो बाहर निकलेगा तो उसका सामना हो जाएगा उसके फोबिक स्टिमुलस से, जिसको वो डील नहीं कर सकता और उसकी वजह से उसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, तो वो उस पर ओवरकम नहीं कर सकता। तो कंसर्न्स दोनों के डिफरेंट है। अब है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया में क्या डिफरेंस है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल सिचुएशन सोशल सिचुएशन से अवॉइड करता है, घर बैठना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने अटैचमेंट फिगर से दूर होने का खौफ है, वो उससे दूर नहीं होना चाहता, इसलिए वो सोशल सिचुएशन अवॉइड कर रहा है। जबकि स्पेसिफिक फोबिया में वो सोशल सिचुएशन से इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसको ये डर है कि वो अपने फोबिक स्टिमुलस को पॉपअप नहीं कर सकता, उससे डील नहीं कर सकता, ठीक है। और पैनिक डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया में क्या फ़र्क है। पैनिक डिसऑर्डर में जो पैनिक अटैक्स इंडिविजुअल को आते हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, विदाउट एनी ऑब्वियस क्यू, विदाउट एनी ऑब्वियस रीज़न उसको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। जबकि स्पेसिफिक फोबिया में अगर इंडिविजुअल को पैनिक अटैक्स आते हैं तो वो इस वजह से आते हैं क्योंकि वो अपने फोबिक स्टिमुलस को फेस करता है। जैसे ही वो उसको फेस करता है तो उसकी एंजाइटी इतनी प्रोवोक हो जाती है जिसकी वजह से उसको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इनमें फ़र्क होता है। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया में क्या फ़र्क है। तो ओसीडी में बेसिकली इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर बिहेवियर रिपीट करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ऑब्सेशन आ रही होती है, उस किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेके ऑब्सेशन आ रही होती है जिसकी वजह से वो बार बार एक बिहेवियर रिपीट करता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल है और वो ब्लड में उसका हाथ लगाता है, उसको ब्लड से अब खौफ है, तो वो बार बार हाथ धोएगा क्योंकि उसको ऑब्सेशन आ रहे हैं कि उसके हाथ में अभी तक जम्स जो है वो ख़त्म नहीं हुए, मिटे नहीं है, तो पानी से बार बार उन जम्स को मिटाने के लिए हाथ धोता रहेगा। जबकि स्पेसिफिक फोबिया में उसको जम्स का खौफ नहीं है, उसकी एंजाइटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उस ब्लड उसका एक फोबिक स्टिमुलस है जिसकी वजह से उसकी एंजाइटी उसका फियर बढ़ रहा है, राइट। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया में क्या डिफरेंस है। तो PTSD में क्या होता है कि इंडिविजुअल के साथ कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाता है जिसके बाद उसके अंदर एक खौफ एक एंजाइटी बढ़ जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से बार बार उसको फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं उसी ट्रॉमा के, और उसी से वो जो है उस ट्रॉमेटिक इवेंट को बार बार एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक फोबिया के साथ ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा होता है क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि आफ्टर ट्रॉमा स्पेसिफिक फोबिया किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस को लेके इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो सकता है। तो यहाँ स्पेसिफिक फोबिया और ट्रॉमा जो है PTSD जो है बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। अब इनमें फ़र्क यही है कि स्पेसिफिक फोबिया की डायग्नोसिस हम उसी वक्त बनाएं जब इंडिविजुअल PTSD का क्राइटेरिया मेट ना कर रहा हो, उसे फुलफिल ना कर रहा हो। अगर PTSD का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो फिर हम उसे स्पेसिफिक फोबिया नहीं डायग्नोस देंगे, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को बेसिकली ईटिंग यानी कि खाने से अवॉइड कर रहा होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वो उनसे अवॉइड कर रहा होता है, सिर्फ यानी फूड से एक पर्टिकुलर चीज़ है फूड उसी से अवॉइड कर रहा होता है, बाकी हर तरफ उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है लेकिन खाना नहीं खाता। तो खाने से उसको कोई खौफ नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, जबकि स्पेसिफिक फोबिया में अगर वो अवॉइड करेगा तो इस बेसिस पे कि उसको हो सकता है मे बी कोई खौफ हो उस चीज़ से, उसका कोई फोबिक स्टिमुलस हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्पेसिफिक फोबिया अकॉर्डिंग टू द DSM-5।